आज से लगभग 60 साल पहले अमेरिका ने अपने नए पोत का परीक्षण शुरू किया, लेकिन ये कोई साधारण जहाज नहीं था। आप खुद ही बताइए कि ये नाव पानी पर चल रही है या हवा में तैर रही है, जबकि इस टेक्नोलॉजी के साथ ये वो कर सकता है जो कोई और दूसरा जहाज नहीं कर सकता। जी हाँ गाइस, 1965 में लॉकहीड कंपनी ने $21 मिलियन की लागत से USS प्लेन व्यू को डिजाइन किया, जिसका मकसद तेज रफ्तार सोवियत सबमरीन्स को ठिकाने लगाना था। इसलिए इस जहाज में हाइड्रोफॉइल्स का इस्तेमाल किया गया, जो पानी में रहते हुए नाव को सरफेस से कुछ फीट ऊपर उठा देते हैं, और जहाज वाटर ड्रैग से बसते हुए अप्रोक्स 90 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड गेन कर सकती है। खैर, 320 टन वजनी प्लेन व्यू उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी हाई स्पीड हाइड्रोफॉइल शिप थी, जो पारंपरिक ऑपरेशंस के दौरान आम जहाजों की तरह डीजल इंजन से पावर लेती, लेकिन स्पीड की जरूरत पड़ते ही इसके हाइड्रोफॉइल्स को नीचे कर दिया जाता और तब इन्हें प्रोपल्शन शिप में लगे 14,000 हॉर्स पावर के दो जनरल इलेक्ट्रिक टर्बो शाफ्ट इंजन से मिलती थी, जो वास्तव में F-4 फैंटम लड़ाकू विमान के इंजन थे।